नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज है 12th of April। आज के बेस का निफ्टी का मार्केट मैं आपको बताऊंगा, और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ इस इंडिकेटर को लेके, कैसे इंडिकेटर यूज़ करना है, कैसे ये एक्चुअली वर्क करता है, और सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आज का वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। और ये आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि जो भी डिटेल्स है इस इंडिकेटर को लेके जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके समझ आए। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपका पहला पॉइंट ये बनेगा कि आपको निफ्टी का ट्रेंड देखना है, निफ्टी किस साइड जा रही है ये आपको सुबह देखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे आपको क्लियरली ये दिखाई दे रहा था कि मार्केट सेल साइड में है, आपको कोई भी बाइंग साइड में यहाँ पे मूवमेंट आपको नहीं मिल रही है, ठीक है? तो आपको कॉल साइड में नहीं जाना है, आपको पुट साइड में जाना है। तो पुट साइड के लिए मैंने यहाँ पे 22,600 का पुट रेफर किया है। अब यहाँ पे मॉर्निंग से लेके अब तक का व्यू मैं आपको शेयर करूंगा। अभी मार्केट लाइव है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 127 का रेट है और ये स्ट्राइक प्राइस है 22,600 का पुट, और यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने रेफर किया है। तो ये इंडिकेटर जब भी आपको कंफर्म परफेक्ट कॉल देता है तो आपको 90% एक्यूरेसी मिलती है फर्स्ट टारगेट को लेके। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, एक पहला कॉल मिला था मॉर्निंग का और यहाँ पे आपको सेकेंड कॉल मिला आफ्टरनून में, 12:20 का ये कॉल है, कन्फर्म परफेक्ट कॉल था, इसने भी आपको टारगेट्स दिए। और ये कॉल भी चेक करें तो ये एक फेक कॉल माना जाएगा, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और इसमें अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो आपको कब ट्रेड करना है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, क्योंकि इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों इसमें ट्रेड नहीं करना है और इसके जगह आपको कैसे एंट्री लेना है, ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि किस प्रकार के कॉल कन्फर्म होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो ओल्ड व्यूअर्स है उनको तो पता है किस प्रकार के कॉल्स को आपको एनालाइज करना होता है, बट जो नए व्यूअर्स है जो फर्स्ट टाइम आज का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन रिपीट करूंगा। यहाँ पे जब भी आपको स्ट्रैटेजी में सिग्नल जनरेट होते हैं तो आपको ग्रीन कलर के एरो देखने को मिलते हैं, इनका इंडिकेशन बाइंग का बनेगा, ठीक है? हमें क्या करना पड़ता है, हमें एंड ऑफ द कैंडल ट्रेड करना है। जिस भी कैंडल पे कॉल आता है वो हमारे सिग्नल कैंडल बनती है, हमारा जो एंट्री होना चाहिए ये कैंडल के क्लोजिंग पे होना चाहिए। इस कारण क्या होता है कि जो कॉल्स होते हैं ये नॉन रिपेंटिंग आते हैं, कभी भी यहाँ पे कॉल रिपेंट नहीं करता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो आपको एंड ऑफ द कैंडल कैसे पता लगता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लोजिंग टाइमर दिया है, आप यहाँ पे टाइमर चेक कर सकते हो, ये देख रहे हो आप क्लोजिंग टाइमर 30 सेकेंड्स। इसका मतलब है जो भी कैंडल पे कॉल आता है उसका क्लोजिंग टाइम ही आपको बताएगा। तो इससे आपकी हेल्प क्या बनेगी, जब भी यहाँ पे 20 या 25 सेकेंड्स बाकी होते हैं तो आपको ये सारे कन्फर्मेशन लेने होते हैं, और साथ ही साथ आपके टर्मिनल पे जाके आप ऑर्डर प्लेसिंग की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे क्लोजिंग टाइमर का हमने ऑप्शन दिया है, इजीली आपका यहाँ पे टाइम सेव होगा और आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है ट्रेड करने को लेके वो भी यहाँ पे आप परफेक्टली कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रख के ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्लोजिंग टाइमर का, जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन के वक्त हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एंड ऑफ द कैंडल जो पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं, उसमें सबसे पहला पैरामीटर बनेगा वॉल्यूम। आप यहाँ पे नीचे वॉल्यूम की रिबिन देख पा रहे हो, तो इसमें आपको 3 कलर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जब भी कॉल क्लोज होता है, ये कैंडल क्लोज होती है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कलर आपका ये ग्रीन रहे, तो ये आपको सबसे पहला पैरामीटर देखना है। सेकेंड पैरामीटर आपको देखना है बायर्स का परसेंटेज, ये हमेशा सेलर से ज़्यादा होना चाहिए, 50 एंड अबो एक्सपेक्टेड रहेगा, और जितना ज़्यादा उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी पैरामीटर यहाँ पे 65 दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी आपका सेलर से ज़्यादा था। थर्ड थिंग आपको देखनी कैंडल का कलर, ये ग्रीन में होना चाहिए। और लास्टली आपको यहाँ पे देखना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा कैंडल के नीचे रहे। तो ये सारे पैरामीटर जो भी कॉल फॉलो करेगा वही कॉल कन्फर्म परफेक्ट माना जाता है, और इसी तरह के कॉल्स में आपको ट्रेड करना है। अगर आप ऐसे कॉल छोड़ के अगर फेक कॉल में ट्रेड करते हो तो वो कॉल आपको लॉस दे सकते हैं, ऐसे कॉल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर फर्स्ट टारगेट इज वेरी लेस। सो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप फेक कॉल में ट्रेड ना करें। फेक कॉल का भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉल साइड का ये सिग्नल था, कन्फर्म परफेक्ट ये सिग्नल नहीं माना जाएगा, क्योंकि नीचे आप अगर वॉल्यूम चेक करें तो ये ग्रे था, ग्रे का मतलब वेट एंड वॉच बनेगा, यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करना है। तो आप देख सकते हो फेक कॉल था, फेक कॉल के कारण इसने फर्स्ट टारगेट भी नहीं दिया, आपको यहाँ पे 10 पॉइंट का मूवमेंट जरूर मिला लेकिन आपको कन्फर्म टारगेट नहीं मिला, उसके बाद मार्केट नीचे आया।
सो यही चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए हम रिकमेंड करते कि आप फेक कॉल में ट्रेड ना करो, ओनली कंफर्म परफेक्ट कॉल में करो, ताकि आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी मिले आपके ट्रेड में और आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल यहाँ पे क्लोज हो। सो इस तरह से परफेक्ट कॉल की डेफिनेशन है। और मैंने ये भी बताया कि फेक कॉल में आपको ट्रेड क्यों नहीं करना है, ओनली कन्फर्म कॉल में आपको ट्रेड करना है। अब लास्टली मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कन्फर्म कॉल था, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कैंडल भी ग्रीन थी, सारे पैरामीटर्स थे, ओनली सिंगल पैरामीटर आपके साथ नहीं था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बायर्स यहाँ पे 11% है। तो ऐसे कॉल में आप ट्रेड करोगे नहीं, आपको ऐसे कॉल में भी ट्रेड नहीं करना है, ये भी एक फेक कॉल माना जाएगा। लेकिन इस वक्त आपने क्या देखना है और कैसे आपको मेंटेलिटी आपकी प्रिपेयर करनी है नेक्स्ट ट्रेड को लेके, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी आपको 3 मिनट के बेस पे भी काम करवाती है। आप अगर मॉर्निंग के ट्रेड देखते हो 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच में, तो 3 मिनट के बेस पे भी आप काम कर सकते हो। तो अगर मॉर्निंग के 5 मिनट के बेस पे अगर ऐसा कोई कॉल आपको मिलता है जहाँ पे आपको पहले ही कॉल पे बायर्स देखने को ना मिले, तो ऐसे में आपको 3 मिनट के बेस पे शिफ्ट करना है और 3 मिनट के बेस पे फिर एक बार आपको कन्फर्म कॉल फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, फर्स्ट कैंडल न्यू यहाँ पे पीरियड बनी और उसके बाद मार्केट नीचे आया। यहाँ पे जिन्होंने ये स्ट्राइक प्राइस में बाइंग करके रखी थी, उन्होंने सारे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे चेक कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स भी आपको दिखाई दी। लेकिन उसके बाद दोबारा एक कॉल जनरेट हुआ, ये कॉल आप चेक कर सकते हो, 3 मिनट के बेस पे आया था। और यहाँ पे टाइमिंग भी चेक करो आप, 9:45 का टाइम यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो 9:45 को ये कॉल हुआ, कन्फर्म कॉल था, सेकेंड कैंडल पे यहाँ पे आपको टारगेट मिला। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 104.55 का हाई लग चुका था और यहाँ पे आपका टारगेट था 104.50 का। तो देख सकते हो एग्जैक्टली फर्स्ट टारगेट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया, थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट दोबारा न्यू ऊपर गया। पीरियड तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी में आपको वर्क करना है। आप 3 मिनट का 5 मिनट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको पूरे दिन आप 5 मिनट रेफर कर सकते हो ये चार्ट को लेके, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को आप एनालाइज कर सकते हो। अगर मॉर्निंग का ट्रेड रहे 9:15 से लेके 10 बजे के बीच में, तो उसमें आप 3 मिनट भी यूज कर सकते हो। सो आज का व्यू मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से ट्रेड करना होता है, जब मॉर्निंग का फर्स्ट कॉल अगर आपका फेक कॉल बने और यहाँ पे बायर्स का काउंट आपके सेलर से कम दिखाई दे, उस समय आपको किस मेथड को यूज करना है ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, निफ्टी के पुट साइड में आज पूरा ट्रेड बना और निफ्टी के पुट साइड में आपको ये भी कॉल देखने को मिला। ये कॉल मैंने लाइव रिकॉर्ड भी किया है और इसका वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट ऑलरेडी कर दिया। आप अगर हमारे चैनल पे विजिट करते हो तो यहाँ पे आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। तो ये है आज के कॉल का लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो जो ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया है, और इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो इस तरह से आज का पूरा वर्किंग मैंने आपसे शेयर किया, किस वे में ये इंडिकेटर को आपको यूज करना है, कैसे आप स्ट्राइक प्राइस को एनालाइज कर सकते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो, ये भी डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की। तो इसके अलावा जो भी एडवांस पॉइंट्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये एडवांस इंडिकेटर है, इसमें आपको कैंडल्स के कलर चेंज होके मिलेंगे, इसका भी कुछ मीनिंग बनेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे लाइट ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे डार्क रेड कैंडल्स हैं, फिर ऑरेंज कैंडल्स दिखाई दे रही है और डार्क ग्रीन भी कैंडल्स यहाँ पे नजर आ रही है। तो इनका मीनिंग क्या बनता है? तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट ग्रीन कैंडल्स है, ये डिनोगेट करेंगी आपका एक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम बायर्स आना स्टार्ट करते हैं, मार्केट में बाइंग होनी स्टार्ट होती है। सो ये इंडिकेशन आपको ये लाइट ग्रीन कैंडल्स देंगी। उसके बाद डार्क ग्रीन कैंडल्स आपको स्ट्रांग स्ट्रेंथ बताती है बायर्स की, और उसके बाद अगर कोई ऑरेंज कैंडल्स दिखाई देती है तो इसका मतलब है बायर्स जो प्रॉफिट में है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस ऑरेंज कैंडल्स का यूज़ आप इस वे में भी कर सकते हो कि आपने अगर 2 या 3 लॉट यहाँ पे बाई किए होते तो आपने मैक्सिमम लॉट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे बुक करना है, और कुछ लॉट आप होल्ड कर सकते हो जिसमें आपको लॉन्ग पोजिशन बनानी है और उसका एग्जिट पॉइंट बनेगा ये ऑरेंज कैंडल्स। सो इस तरह से पूरा मार्केट आज का मैंने आपको बताया, निफ्टी को लेके मैंने पूरा व्यू आपसे शेयर किया। अगर आप इस इंडिकेटर का लाइव डेमो देखना चाहते हो तो आज ही स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां जाके भी आप रजिस्टर करो, ताकि हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके ये सॉफ्टवेयर का लाइव डेमो अरेंज करवा देगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियोज़ आगे देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।